लंबे समय के बाद आखिरकार मकान मालिक को हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिलाया गया कब्जा। मामला मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 17 स्थित इकरा कॉलोनी का है। मामला सालों पुराना है और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। दरअसल इकरा कॉलोनी में एक मकान को लेकर लगभग पिछले 3 साल से मामला चल रहा था, जिसके बाद लंबे समय की कानूनी लड़ाई लड़ने और जुडिशरी सिस्टम के आदेश के बाद आज मकसूद आलम को जीत मिल ही गई। हाई कोर्ट और डीआरटी के आदेश के बाद आज उक्त प्रॉपर्टी असल हकदार मकसूद आलम के पास पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट और डीआरटी के आदेश का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट और क्यूआरटी टीम की तैनाती में प्रॉपर्टी मकसूद आलम को शांतिपूर्वक सौंपी गई। तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया कि एक्सिस बैंक से प्रॉपर्टी के पूर्व मालिक ने घर को बंधक बनाकर लोन लिया था, जिसे चुकाने में वो असमर्थ हो गया, जिसके बाद बैंक ने कानूनी प्रक्रिया के बाद मकान पर अपना दावा किया और ये प्रॉपर्टी मकसूद आलम को बेच दिया। लेकिन बैंक इसे हैंडओवर करने में असमर्थ थी, क्योंकि मकान में पहले से सामान था। लेकिन अब हाई कोर्ट द्वारा बैंक को आदेश दिया गया कि ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले को सौंपा जाए, जिसके बाद आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में घर को उसके असली मालिक को दिलाने का कार्य मुकम्मल कर लिया गया। सुनिए मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट को। ये डीआरटी का मैटर है। 2014 का ही ऑर्डर था, उसके बाद मतलब 2014 में डिफॉल्ट हुआ, उसके बाद सरफेसी का प्रोसीडिंग हुआ, उसके बाद डीआरटी का ऑर्डर आया कि इसको खाली करके जो ऑक्शन परचेजर है उनको दिया जाए। तो इनिशियली 2019 में इस घर को जो लोन जिन्होंने लिया था उनके कब्जे से मुक्त करते हुए ये ऑक्शन परचेजर को सेल कर दिया गया था। उस समय फॉर सम रीज़न हैंडओवर नहीं हो पाया था ये प्रॉपर्टी ऑक्शन परचेजर को। तो मेन रीज़न ये था कि इसमें सामान रखा हुआ था जिसको कि जिन्होंने लोन लिया था उनको वापस लेना था, लेकिन बहुत बार बैंक के द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी उन्होंने नहीं लिया, तो इसके कारण इनको हैंडओवर नहीं हो पाया था ये प्रॉपर्टी। तो अभी हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी और फिर डीआरटी का जो ऑर्डर था 2021 में भी एक डीआरटी का ऑर्डर आया जिसमें कि कहा गया कि आप ये प्रॉपर्टी को बैंक को हैंडओवर कर दिया गया था। 2029 में बैंक को आदेश दिया गया कि आप इसको खाली करते हुए ऑक्शन परचेजर को हैंडओवर कीजिए। तो अभी वही सामान इनको मूव करके ये ऑक्शन परचेजर को हैंडओवर किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी कौन से बैंक का है सर? ये एक्सिस बैंक का है। कितने का लोन था? ये छोटा सा लोन था, 13 लाख का लोन था। चुकाया नहीं होंगे? नहीं होना। अरे किसके हैंडओवर दिया जा रहा है मकान? ये एक मकसूद आलम करके है, एक मकसूद आलम है नाम मेरे ख्याल से। वो लिए हैं? हाँ, वो ऑक्शन परचेजर है, उन्होंने लिया। बैंक से? हाँ।